मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं आपका फिजिक्स एजुकेटर महावीर, आप सबका करनी एकेडमी एंड एजुटेक की तरफ से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए हम और आप रोजाना अब रूबरू होंगे और अपनी तैयारी को, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से आगे लेकर जाएंगे। इस प्लेटफॉर्म के द्वारा आपको बेस्ट एजुकेटर प्रोवाइड किए गए हैं, जो कि आपकी परीक्षा की तैयारी को बहुत आसान बना देंगे और बहुत अच्छा भी बना देंगे। सर, ज़रूरत है आप लोगों को हमारे साथ बने रहने की और अपनी रेगुलर पढ़ाई करने की। आपकी निरंतरता बहुत ज़रूरी है इस काम के लिए। बहरहाल, मैं अपनी बात को थोड़ा और आगे बढ़ाता हूँ और हम आते हैं अपने क्लास ट्वेल्थ के सिलेबस पर। तो क्लास ट्वेल्थ का जो सिलेबस है वो कितने पार्ट में डिवाइड है, उस बात पे अपन थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। आप सबको पता है कि ट्वेल्थ बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कैरियर आपका यहीं से डिसाइड होता है। ज़्यादातर बच्चे जो हैं ट्वेल्थ के बाद और उनके मार्क्स के अकॉर्डिंग ही अपना जो है करियर जो है डिसाइड करते हैं। तो प्लीज़ इस बारहवीं कक्षा में आप अच्छे से पढ़ें, बिल्कुल भी कोताही न बरतें, लापरवाही न बरतें, निरंतरता से अपनी पढ़ाई को जो है आप लोग जारी रखें। मैं आता हूं अपने सिलेबस पे। तो अपन जो डिस्कस करेंगे पूरी ट्वेल्थ के अंदर, वो क्या क्या करने वाले हैं। पहला अपना होगा स्थिर वैद्युतिकी, ठीक है जी, स्थिर वैद्युतिकी। कुछ बच्चों ये फैमिलियर हो गए होंगे, लेकिन फिर भी मैं जीरो से ही आपको स्टार्ट कराने वाला हूँ। जीरो से इनफाइनाइट एडवांस तक ले जाना ही आज तक मेरा कॉन्सेप्ट रहा है। बहुत से बच्चों को मैंने मेंटर और नर्चर किया है यहाँ पर, तो आप भी जुड़ सकते हैं हमारे साथ और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छा कर सकते हैं, स्थिर वैद्युतिकी। उसके बाद विद्युत धारा, उसके बाद चुंबकत्व, मैग्नेटिज्म जिसको बोलते हैं, जिसमें आपका विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, चुंबकीय प्रेरण, पदार्थों के चुंबकीय गुण तथा प्रत्यावर्ती धारा को भी हम इसमें लेते हैं। तो इस तरह से ये चुंबकत्व आ जाता है। और उसके बाद प्रकाशिकी, जिसको ऑप्टिक्स बोलते हैं, और उसके बाद आधुनिक भौतिकी, जिसको मॉडर्न फिजिक्स बोलते हैं, आधुनिक भौतिकी। और अंत में आपका आता है संचार व अर्धचालक, संचार व अर्धचालक। तो इन सब के बारे में अपन पूरे थ्रू आउट ट्वेल्थ जो है इन्हीं चीज़ों की स्टडी हम लोग करेंगे। तो बने रहना हमारे साथ, सारे चैप्टर बहुत इजी और बहुत आसान तरीके से आप लोगों को समझ में आने वाले हैं। स्टार्ट जो करूंगा मैं स्थिर वैद्युतिकी से करूंगा और एंड जो है अर्धचालक पर होगा। आपको पता ही नहीं चलेगा कि कितनी आसानी से सारे चैप्टर सर ने करवा दिए, हर एक कॉन्सेप्ट को बिल्कुल अच्छी तरीके से, हर न्यूमेरिकल्स को, हर डेरिवेशन को हम बहुत ही इजी लेंगे। जिन भी लोगों को फिजिक्स में दिक्कत थी या लगता है फिजिक्स फोबिया है, वो फोबिया आपका बिल्कुल ख़त्म होने वाला है। आप हमारे साथ जुड़े रहना, ठीक है। तो पहले बात आता हूँ मैं अपनी स्थिर वैद्युतिकी पे। तो क्या होता है स्थिर वैद्युतिकी? तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें स्थिर आवेशों तथा उनके प्रभावों का अध्ययन किया जाता है, स्थिर वैद्युतिकी कहलाती है। यानी आवेश आपका स्थिर है, आवेश जिसको अपन क्यू से डिनोट करते हैं, वो कैसा है? वो स्थिर है, वो एक जगह रखा हुआ है। तो वो आवेश क्या क्या प्रभाव उत्पन्न करेगा, इसके बारे में अपन जो अध्ययन करेंगे वो स्थिर वैद्युतिकी में करेंगे। आपके जो चैप्टर है, पहला चैप्टर जो कि विद्युत क्षेत्र है, दूसरा जो कि गाउस नियम है, उसके बाद विभव है, विद्युत धारा है और धारिता है ना। ये चारों चैप्टर जो है, विद्युत धारा अलग से आएगा, ये चारों चैप्टर स्थिर वैद्युतिकी का ही एक पार्ट है ना। इन चारों से मिलके ही क्या बन गया, आपका स्थिर वैद्युतिकी बना हुआ है। और ये आपको मार्क्स दिलवाते हैं टोटल 7 बोर्ड के अंदर। अब कौन सा किससे आता है ये थोड़ा सा कहना मुश्किल है, बट इन चारों से मिला के 7 मार्क्स आते हैं। और इनका पहला जो कोर रहेगा, ये शुरुआत के 2-3
तो अब चैप्टर या फिर लेक्चर रहेंगे जिससे आपकी पूरी जो स्थिरवैद्युतिकी की है बहुत अच्छे से हो जाएगी। चलिए जी, तो यहाँ पर अगर परीक्षा में आ जाए स्थिर वैद्युतिकी तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें अपन स्थिर आवेशों तथा उनके प्रभावों का अध्ययन करते होंगे। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, मैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ता हूँ। ओके, अब सर आवेशों का तो अध्ययन करते हैं, बताइए आवेश क्या होता है? तो देखो बेटा, आवेश ये होता है किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह विद्युत है ना, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है। अर्थात एक आवेश को ऐसे रख दूं मैं है ना, या फिर चलाऊं, तो वो क्या करेगा, अपने आसपास एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा और चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा। आने वाले स्लाइड्स में, आने वाले चैप्टर में इन सब शब्दों के बारे में आप जो है डिटेल से चर्चा भी करेंगे। तो विद्युत क्षेत्र क्या होता है, थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ। जैसे गुरुत्वीय क्षेत्र होता है, कोई पृथ्वी पर किसी चीज़ को अपर अपन फेंकते हैं तो वापस आ जाती है क्योंकि उसका एक गुरुत्वीय क्षेत्र होता है और वो पृथ्वी उस पर वस्तु पर बल लगाती है। सेम अगर आवेश के पास भी कोई दूसरा आवेश आएगा तो उस पर बल लगाएगा, या तो आकर्षण लगाएगा या प्रतिकर्षण लगाएगा। ये चीज़ें आने वाली स्लाइड्स में अपन बहुत अच्छे से देखने वाले हैं। तो यहाँ से समझ गए होंगे कि विद्युत प्रभाव तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है आवेश, किसी पदार्थ का एक गुण है। वैसे आवेश की कोई एक जो आप कह सकते हो सिंपल डेफिनेशन नहीं है, ना मास की कोई सिंपल डेफिनेशन है, बट हाँ अगर समझना हो तो इस डेफिनेशन से हम अपना काम चलाते हैं। नेक्स्ट, जैसा कि मैंने बताया था यहाँ से एक नंबर का सवाल बनने के पूरे चांसेज हैं, तो इस चीज़ को अच्छे से देखें कि आवेश है, अगर वो आवेश आपका स्थिर है तो वो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। क्या उत्पन्न करेगा जी, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। यानी ओनली, यहाँ पर एक चीज और लिखना, केवल स्थिर आवेश केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। और गतिशील अगर आवेश हो तो कोई भी चीज की गति दो तरीके से हो सकती है, या तो उसकी जो है नियत हो, नियत वेग से, और या उसकी हो सकती है लाइक त्वरित वेग से। नियत वेग यानी वेग आपका नियत, यानी 2 मीटर पर सेकंड से आपने आवेश को रवाना किया और वो जिंदगी भर 2 मीटर पर सेकंड के वेग से ही चलता रहा, यानी उसका वेग बदला ही नहीं। नियत जब भी वेग होता है तो त्वरण क्या होता है, तो जी त्वरण होता है वेग में परिवर्तन बट्टे समय। तो वेग में तो परिवर्तन साहब हो ही नहीं रहा है, तो वेग में परिवर्तन है जीरो, समय कुछ भी ले लो आप जन्मों जन्मांतर तक तो भी आपके पास त्वरण जो है जीरो आएगा, यानी इसको बोलते हैं नियत वेग, जब त्वरण जीरो हो। तो एक और कंडीशन आप लिख सकते हो, त्वरण को लिखता हूँ ए से, तो ए इक्वल्स टू जीरो, दो कंडीशन जो है यहाँ पर होती है। तो आवेश आपका विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। और तीसरी गति हो सकती है त्वरित, वेग चेंज हो रहा है, कभी 2 मीटर पर सेकंड हुआ, कभी 3 हो गया है ना मीटर पर सेकंड, कभी 4 हो गया, तो चेंज होता रहा तो हो जाएगी त्वरित गति, क्योंकि वेग में परिवर्तन आएगा यहाँ पर और नीचे समय का डिवाइड होगा तो कुछ ना कुछ त्वरण आएगा। तो यहाँ पर ए कभी भी जीरो नहीं होगा, और इसका मतलब कि वो विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा, चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा, और विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में अपनी ऊर्जा को कम भी करेगा। तो परीक्षा में कई बार आता है कि एक आवेश त्वरित गति करता है तो क्या क्या उत्पन्न कर सकता है, तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है, और विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न कर सकता है। नियत वेग से विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। इन शब्दों से ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है कि इन पे अपन क्योंकि पीएचडी करने वाले हैं, एक तरीके से सारे जो भी शब्द आ रहे हैं वो सब बिल्कुल आप अच्छे से समझ जाओगे, क्योंकि ये सब अपने आप में एक चैप्टर है ये सारी चीजें। पर इंपॉर्टेंट ये है कि इसके बेसिक क्या है, तो बेसिक तो आवेश की गति से ये उत्पन्न होते हैं। बहरहाल नेक्स्ट बढ़ता हूं मैं। आवेश, आवेश को जो है कुछ बुक्स में क्यू से या कैपिटल क्यू से प्रदर्शित करते हैं, अलग अलग बुक्स में आपको अलग अलग नोटेशन मिल जाएगा। एक व्युत्पन्न भौतिक राशि है, दो तरह की राशियां होती है बच्चों, पहली होती है मूल भौतिक राशि और
दूसरी होती है व्युत्पन्न भौतिक राशि। जैसा कि आप लोगों ने 11th क्लास का पहला या दूसरा चैप्टर इसमें आपने पढ़ा होगा कि मूल राशि वह राशि जिसको किसी अन्य राशि के पदों में व्यक्त नहीं किया जा सकता, उसकी कंप्लीट डेफिनेशन, उसकी पूर्ण परिभाषा के लिए वो खुद ही जिम्मेदार है। लेकिन व्युत्पन्न भौतिक राशि वह राशि जिसको किसी अन्य राशि के पदों में हम व्यक्त कर सकते हैं। जैसे आपको बता दूं कि चाल तो क्या होता है, तो आपको पता है दूरी बटा समय। दूरी यानी लंबाई एक मूल राशि है और समय एक मूल राशि है, तो इन दोनों से मिलके चाल बन गया, तो ये व्युत्पन्न राशि है। अब सर बताओ कि आवेश कैसे व्युत्पन्न हुआ, तो आपने पढ़ा होगा विद्युत धारा जो होता है वो होता है आवेश बट्टा समय। हाँ सर, 10वीं क्लास में हमने ये चीज़ पढ़ी है, 10वें चैप्टर के अंदर, बिल्कुल सही जा रहे हो आप, पढ़ी है आप लोगों ने। तो यहाँ पर विद्युत धारा इनटू समय जो होगा वो बराबर आएगा आवेश के। वेरी गुड। तो विद्युत धारा जो कि एक मूल राशि है जिसका मात्रक एम्पियर है, समय भी एक मूल राशि है जिसका मात्रक सेकंड है, तो इन दो मूल राशियों से मिलकर आवेश बना है, इसलिए आवेश एक व्युत्पन्न भौतिक राशि है। तीसरा, इसका मात्रक क्या होता है, तो आवेश का जो मात्रक है वो कूलाम होता है, और एक कूलाम को एक एम्पियर इंटू एक सेकेंड भी लिखा जाता है। कैसे सर, तो विद्युत धारा का मात्रक सर एम्पियर होता है और समय का मात्रक सेकेंड होता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि एक कूलाम को एक एम्पियर इंटू एक सेकेंड भी लिख सकते हैं। आवेश की विमा, तो जो मूल राशियां होती है उन्हीं के आधार पर विमाएं लिखी जाती है, तो एम्पियर की वजह से विमा आएगी A1, क्योंकि कुछ भी नहीं है, घात कुछ भी नहीं है तो 1 होगा, और समय की वजह से T1। कुछ किताबों में आपको M0, L0, T1, A1 भी दे सकते हैं, क्योंकि ये 0 है तो इनको लिखो चाहे मत लिखो कोई मतलब नहीं रहता, किसी भी पावर 0 जो होता है वो 1 बन जाता है। बहरहाल आपको ये चीज़ बहुत समझ में आई होगी, ये यहाँ से कंपटीशन लेवल पे भी सवाल बनते हैं और 12th लेवल पे भी सवाल बनते हैं, ये बेसिक है, इसलिए आप इन चीज़ों को अच्छे से ध्यान में रखें। चलिए जी नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन आगे। तो आवेश, अब ये 10वीं कक्षा की बात आ गई सर। इलेक्ट्रॉन का आवेश आप लोगों को पता है -1.6 × 10⁻¹⁹ कूलाम होता है, और प्रोटॉन का आवेश उतना ही होता है लेकिन प्लस का साइन आ जाता है, यानी इलेक्ट्रॉन जो है वो ऋणावेशित होता है और प्रोटॉन जो है वो धनावेशित होता है, और न्यूट्रॉन का जो आवेश होता है वो शून्य होता है। ये पूछा जाता है कि न्यूट्रॉन पर कितना आवेश है, तो शून्य आवेश होता है। अगर कहीं आपको E लिखा हुआ मिले तो E का मान होता है 1.6 × 10⁻¹⁹ है ना कूलम, तो इसका मतलब ये कि अगर E इलेक्ट्रॉन के रेस्पेक्ट में लिखा हुआ मिले तो माइनस आएगा, और प्रोटॉन के लिए बात हो रही है तो जो है प्लस आएगा। आगे अपन देखेंगे इस E के बारे में भी थोड़ी चर्चा होगी एक दो स्लाइड के बाद, तो बने रहिए हमारे साथ। ओके, अब बताइए जी आवेशों के गुणधर्म। तो आवेशों के दो तरह के गुणधर्म होते हैं, पहला कि एक आपका आवेश होता है धनावेश और दूसरा जो होता है ऋणावेश। तो पहला गुणधर्म है आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक धनावेश होता है और दूसरा जी सर ऋणावेश होता है। हमने सर बचपन से ये चीजें पढ़ी है तो हमें पता है, बिल्कुल जी आपने बहुत पहले पढ़ लिया ये चीज। तो दो तरह के जो है आवेश होते हैं, एक धनावेश होता है एक ऋणावेश होता है, अभी मैंने बताया था प्रीवियस स्लाइड के अंदर की कौन धनावेश होता है कौन ऋणावेश होता है। ओके, समान जो आवेश होते हैं उनमें प्रतिकर्षण होता है और विपरीत आवेश जो होते हैं उनमें आकर्षण होता है। कैसे जी, के साहब ऐसे एक प्लस रख दो और दूसरा एक प्लस रख दो, तो प्लस वाला चाहेगा कि ये इधर चला जाए और ये चाहेगा कि इधर चला जाए, कितने बल से जो है ये इसको उधर भेजेगा, ये हम देखेंगे कूलाम नियम में। अगला लेक्चर में कूलाम नियम पढ़ेंगे तब हम इस बल का मान भी निकाल लेंगे। जैसे कि ऐसे सर ये माइनस है ये माइनस है, तो ये चाहेगा इधर जाए ये चाहेगा इधर जाए, यानी इनमें है क्या है दुश्मनी, ये इनकी एक दूसरे से बिल्कुल नहीं बनती भाई साहब, अपनों में दुश्मनी हो गई है, अपनों का कोई पसंद नहीं करता, इसलिए यहाँ क्या हो गया है ये दोनों आपस में ऐसे चले जाते हैं, वही दुनिया का नियम है।
ये प्लस है ये माइनस है, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। रियल लाइफ में जो है आपको दुश्मनी किसी से नहीं रखनी चाहिए। बाकी चार्जेस की बात है तो वही होगा जो अपन देखते हैं। लेकिन अगर आपके समान आवेश है तो प्रतिकर्षण, और विपरीत है यानी दूसरे से बहुत बनती है, पड़ोसियों से अच्छी बनती है इस आदमी की, यानी प्लस है वो माइनस को बहुत अच्छे से अपने पास बुलाएगा, तो यहाँ इनकी हो जाएगी दोस्ती। तो समान में तो दुश्मनी और विपरीत है तो इनकी दोस्ती अच्छी फटेगी, दोनों की अच्छी बनेगी। अब देखते हैं नेक्स्ट, यही चीज यहां बता रखी है। प्लस प्लस दूर भेज रहा है, माइनस माइनस एक दूसरे को दूर भेज रहा है, प्लस माइनस एक दूसरे को पास ला रहा है। ये तिरछे नहीं है, बिल्कुल सीधे है ना, तिरछे मत बना लेना एरो कि सर ये तो ऊपर इधर जाएगा, इधर कहाँ, ऊपर स्क्रीन पे भेजोगे आप लोग, सीधे लगते हैं। ये भी देखेंगे अपन कि ऐसे बल जो होता है बिल्कुल, ये सेंट्रल फोर्स लगाते हैं यानी केंद्रीय बल होता है, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश ही ये बल लगाते हैं। ये भी बात आप ध्यान रखोगे, कुलाम नियम में बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर इसको करवाने वाला हूं। नेक्स्ट चीज देखते हैं, आवेशों का संरक्षण। संरक्षण का मतलब आपने छोटी क्लासों से पढ़ा है, संरक्षण का मतलब होता है ऊर्जा संरक्षण, द्रव्यमान संरक्षण, वो संरक्षण, ये संरक्षण। संरक्षण का मतलब है कोई चीज कहीं नहीं जा रही है, वो यहाँ पर है। मान लो मेरी जेब में, ऊपर वाली जेब में 10 रुपए हैं, और अभी 10 रुपए ही है सच में ही, ऊपर वाली जेब में 10 रुपए हैं और नीचे दोनों जेब में 20 रुपए और 20 रुपए हैं, टोटल मेरे पास 50 रुपए हैं। अगर मैं चेंज कर देता हूँ, ऊपर वाली जेब में से पैसे डाल देता हूँ नीचे वाली में, नीचे वाली से ऊपर वाली में, आपस में ही चेंज कर रहा हूँ, तो क्या टोटल पैसा चेंज होगा? नहीं होगा। हाँ, एक दूसरी जेब से अलग अलग हो सकता है, हो सकता है ऊपर वाली में 20 आ गए, नीचे वाली में 10 रहे, वो चेंज हो सकता है, पर कभी भी टोटल पैसा चेंज होगा? नहीं होगा। आवेश में भी यही होता है, विलगित निकाय का आवेश जो है संरक्षित रहता है, विलगित निकाय का कुल आवेश संरक्षित रहता है। तो सर विलगित निकाय क्या होता है? विलगित निकाय मतलब एक ऐसा आवेश, ऐसा निकाय जो बिल्कुल अलग हो, इंग्लिश में बोलते हैं इसको आइसोलेट। मैंने इंग्लिश क्यों वर्ड यूज किया, क्योंकि आप आजकल जो है आइसोलेशन से बहुत ही फैमिलियर हो। आइसोलेशन का मतलब होता है बिल्कुल अलग, वही विलगित, इसका किसी और से लेना देना नहीं है। यानी मेरे पास पैसे है और मेरे सामने जो टेक्निकल टीम के स्टाफ बैठे हैं उनके पास भी पैसे हैं। अब ये थोड़ी ना कि मैं उनके पैसे भी साथ में काउंट करूंगा, फिर तो संरक्षित नहीं रहेंगे, मैं उनसे अगर ले लूंगा तो फिर तो बढ़ जाएंगे, तो मैं मेरी ही बात करूंगा। सेम लाइक हियर, मैं इस जो है निकाय की बात कर रहा हूं, यहां पर ए पर एक गुलाम चार्ज है, बी पर दो गुलाम चार्ज है और सी पर 3 गुलाम चार्ज है। अब आपस में ये लड़े भिड़े, इन्होंने कुछ किया और मैंने देखा कि ए पर जो चार्ज है, जो आवेश है, वो 2 गुलाम आ गया, बी पर जो आवेश है वो 3 गुलाम आ गया, तो बताओ सी पर आवेश कितना होगा, है ना? तो मुझे पता है कि विलगित निकाय के लिए जितना क्यू पहले होगा उतना क्यू बाद में होगा। तो पहले कितना है साहब? तो पहले है 1 + 2 + 3, बाद में कितना है? 1 + 2 + 3, और बाद में कितना है जी? 2 है, उसके बाद 3 है, और सी का सर हमें नहीं पता है, हम मान लेते हैं एक्स है। तो यहाँ से आप एक्स की वैल्यू भी देख सकते हो कितनी आ जाएगी, ये तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1, यानी अब सी पर जो है 1 गुलाम चार्ज रह गया। तो ऐसे आपसे पूछा जाएगा, तो आप पहले का आवेश और दूसरे का आवेश आपस में बराबर कर दोगे, पहली कंडीशन और दूसरी कंडीशन का, और अपना जो भी अननोन आवेश होगा, जो आपको आवेश निकालना है वो आप अच्छे से निकाल लोगे। लेकिन शब्द परीक्षा में आए तो ये जरूर लिखना है विलगित निकाय। धन्यवाद जी, आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, कोई भी तरह के डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन तो खुला ही रहता है, आप लिख दिया करें ताकि मीन टाइम में मैं आपके रिप्लाई भी दे सकूं। बहरहाल उसके बाद चीज आती है स्थानांतरण। तो स्थानांतरण का मतलब होता है कि एक आवेश दूसरे आवेश, एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में आवेश जा सकते हैं, आवेश एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। यानी यहाँ पर एक आपके पास बी है और यहाँ पर एक ए है और यहाँ पर एक वस्तु बी है, यहाँ से मैं इलेक्ट्रॉन को इधर भेज सकता हूँ, सेम लाइक मैं इलेक्ट्रॉन को इधर भी भेज सकता हूँ। अब सर आप ये क्यों कह रहे हो इलेक्ट्रॉन को भेज सकते हो, हमने तो पढ़ा है प्रोटॉन पे भी आवेश होता है। तो स्थानांतरण केवल इलेक्ट्रॉन का होता है, प्रोटॉन का नहीं। यानी एक वस्तु से दूसरी वस्तु में आवेश जा तो सकता है, लेकिन केवल और केवल इलेक्ट्रॉन जाएंगे, प्रोटॉन कभी भी एक वस्तु से दूसरी वस्तु में नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि प्रोटॉन जो होता है वो नाभिक का हिस्सा होता है, यानी परमाणु की आत्मा होती है,
अगर आत्मा ही चली गई तो परमाणु खत्म हो जाएगा। यानी आदमी का हाथ आप काट सकते हो, पैर काट सकते हो, उसकी आत्मा थोड़ी ना ले सकते हो अपने पास। तो सेम लाइक यहाँ पर प्रोटॉन भी आत्मा है। अगर प्रोटॉन चला गया तो ये पूरा का पूरा पदार्थ ही उधर चला गया, ये पूरा मेटेरियल भी यहाँ से यहाँ चला जाएगा, जो पॉसिबल नहीं है। यानी परमाणु के स्थायित्व को खतरा हो जाता है, इसलिए प्रोटॉन कभी भी स्थानांतरित नहीं होता, स्थानांतरित सिर्फ इलेक्ट्रॉन होता है। क्लियर है जी? तो आपको हमेशा इलेक्ट्रॉन को ही कम ज्यादा करना है, प्रोटॉन तो फिक्स हो गए। अगर मैं आपसे कह दूं कि Na प्लस है, अगर मैं आपसे कह दूं कि Na प्लस है, और चाहे Na टू प्लस कुछ भी ले लो, Mg टू प्लस है कुछ भी ले लो, ये इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है यहां पर, प्रोटॉन कभी नहीं निकला है। इसका मतलब कि दो इलेक्ट्रॉन कम हुए हैं, इसका मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन कम हुआ है, Cl माइनस का मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन आया है, पर कभी अपन प्रोटॉन की बात नहीं करते हैं। चलिए जी नेक्स्ट देखते हैं। इलेक्ट्रॉन की अगर कमी है, इलेक्ट्रॉन की अगर कमी है तो धनावेश आएगा। इलेक्ट्रॉन की कमी है तो धनावेश आएगा। कैसे जी? यहां पर एक बॉडी है, फॉर एन एग्जाम्पल सोडियम। आप सबको सोडियम के बारे में पता है कि सब पहली कक्षा में दो इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन, और तीसरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन होता है। अब सोडियम क्या करता है कि भाई इस इलेक्ट्रॉन को निकाल के अपना अष्टक पूर्ण कर लेता है और स्थायी हो जाता है। इसलिए सोडियम जो है इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकाल देता है और Na प्लस बनाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकला है, कमी हुई है, इसलिए धनावेशित होता है। सेम लाइक अपन देखें क्लोरीन के बारे में, तो क्लोरीन के बाह्यतम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और वो एक इलेक्ट्रॉन को लेके Cl माइनस बना लेता है ताकि वो स्थायी हो जाए। तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता जहां पे भी आती है, देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लिया है इसने तो इस पे ऋणावेश आया है, तो ये बात ध्यान रखना, जहां पे भी इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे ऋणावेश आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन कम होंगे धनावेश आ जाएगा। चलिए जी नेक्स्ट देखते हैं। तो आवेशों का क्वांटीकरण का नियम, आवेशों के क्वांटीकरण का नियम किसी भी वस्तु पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा कंपटीशन व्यू से देखो, चाहे बोर्ड लेवल से देखो, मेरा तो बहुत ही फेवरेट है। एक बात मुझे आप लोग बताइए कि आवेश को तो लिखते हैं अपन चार्ज से, चार्ज की स्पेलिंग में तो कभी क्यू नहीं आता, फिर सर ये क्यू से क्यों डिनोट करते हैं? तो इसका रीजन यहां पर है, क्यों आवेश को क्यू या कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं, क्योंकि आवेशों का एक नियम है क्वांटीकरण का नियम। और क्वांटा प्लीज आप समझिए, क्वांटा क्या होता है? तो क्वांटा होता है पैकेट, पैकेट। तो फॉर एन एग्जाम्पल आप मार्केट में गए एक सुपारी का पैकेट लाने, एक सुपारी की पूरी जिसको आप जो भी बोलते हो वो लाने गए, तो आप क्या देखते हो कि या तो वो एक पैकेट देगा, दो देगा, तीन देगा, है ना? पर ऐसा नहीं है कि वो जो है डेड पैकेट आपको दे दे, है ना? एक सुपारी की पूरी दे दे, दूसरी फाड़ के दे दे कि सर आधी ले जाओ, क्योंकि हो ही नहीं सकता। वो खुद कहेगा भाई 1 रुपए में 1 है तो 2 रुपए में 2 है, 3 रुपए में 3 है, कभी भी वो आपको 2.5 नहीं दे सकता। ऐसी नहीं दे सकता ना कि जो भिन्नात्मक हो वो पूर्ण दे सकता है, 1 2 3 4 5। आवेश भी ऐसे ही होता है। कैसे? देखिए, तो किसी वस्तु पर आवेश मूल आवेश इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। तो मूल आवेश आपका क्या होता है? मूल आवेश होता है ये, किसी भी वस्तु पर मूल आवेश जो होता है वो ये होता है ई। ई का मतलब मैंने बता दिया, प्रोटॉन की धनावेश की बात करें तो प्लस कर देना है, ऋणावेश की बात करें तो माइनस कर देना है। 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलाम जो है वो आपका आवेश होता है, मूल आवेश, और इसको बोलते हैं सबसे छोटा संभावित आवेश। किसी भी वस्तु पर सबसे कम आवेश कितना हो सकता है? तो ई हो सकता है, ई से कम आवेश हो ही नहीं सकता। कम से कम आप कितनी पैकेट ला सकते हो? तो एक पैकेट ला सकते हो भाई, ऐसा नहीं कि आधा ले आओ, नहीं, एक तो आपको लेके जाना पड़ा। अब 1 2 3 कुछ भी ले सकते हो, लेकिन 1.5 वगैरह कुछ नहीं। सेम लाइक हियर, क्यू इक्वल्स टू प्लस माइनस एन ई, और एन यहां पर मैंने बोला कि पूर्णांक है, तो पूर्णांक है तो एन की वैल्यू 1 2 3 हो सकती है, इनके मान। तो यहां पर देख लीजिए आप, एन बराबर अगर 1 रखूंगा तो आएगा E, N बराबर 2 रखूंगा तो आएगा 2E, 3 रखूंगा तो आएगा 3E। समझ गए होंगे आप लोग,
कि ये ई जो है ये आपकी एक सुपारी का पैकेट है, मतलब ये आवेश है, मिनिमम आवेश इतना हो सकता है। इसके बाद 2E हो सकता है, 3E हो सकता है, 5E हो सकता है। चलिए आप सोचिए, है ना, स्क्रीन को पॉज करके 10 सेकेंड सोचिए, क्या 5E 0.5E हो सकता है, क्या 2/3E माइनस का हो सकता है, माइनस प्लस हो सकते हैं, ये आवेश माइनस ई हो सकता है, -3E हो सकता है, प्लस माइनस हो सकता है, लेकिन यहाँ पूर्ण अंक आएगा, पूर्ण अंक 1 2 3 4 5 ये अंक आएंगे, यानी कभी भी आपका इस तरह का बट्टा में कोई भी चीज नहीं आएगी, भिन्नात्मक नहीं होगा, है ना। तो ऐसे आवेश कभी पॉसिबल नहीं है। अब मेरे नीचे मैंने लिख भी रखा है कि आवेश एन जो है कभी 1/2, 1/3, 2/3 या माइनस कुछ भी, प्लस माइनस कुछ भी लिख सकते हो, -3/2 कुछ भी कह दो आप, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। क्लियर है जी, बात समझ में आ गई होगी कि आवेश एक पैकेट के फॉर्म में होता है, यानी किसी भी वस्तु पर आवेश ई, 2E, 3E, 4E हो सकता है। इसका मैं एक आपको DPP भी दूंगा, यानी डेली प्रॉब्लम प्रैक्टिस के लिए आपको एक चीज मिलेगी, जिसमें मैं ऐसे आंकिक सवाल दूंगा और कुछ छोटे सवाल कॉन्सेप्ट वाले भी दूंगा, तो वो सवाल आपको 1 या 2 दिन में सॉल्व करने होते हैं, और उनका भी मैं सॉल्यूशन वीडियो इस प्लेटफॉर्म पे अपलोड कर दूंगा। तो आप जो है आंकिक सवालों को भी समय के साथ लगाते रहें, क्योंकि परीक्षा में आंकिक सवालों का भी एक वेटेज होता है, एक जो है पर्टिकुलर नंबर आंकिक सवालों के होते हैं, आंकिक मतलब जिसमें न्यूमेरिकल सवाल होते हैं, जैसे गणित में कैसे होते हैं वैसे तरह की गणित लगती है। ओके जी, तो यहाँ पर क्वांटीकरण आपका बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। कुछ ऐसे कण होते हैं जिनको क्वार्क बोलते हैं, उन पर आवेश होता है E/3, -2E/3, लेकिन वो क्या होते हैं, दो क्वार्क मिलके एक प्रोटॉन बना देते हैं, कोई इलेक्ट्रॉन बना देते हैं, तो उनका कोई विलगित जो है अस्तित्व नहीं होता, अलग से वो नहीं रहते हैं, आइसोलेटेड उनका कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं होता, तो उनका अभी प्रकृति में अपन नहीं मानते हैं, अपन ये अभी भी यही मानते हैं कि क्वांटीकरण का नियम अभी भी वैलिड है, अभी भी सही है, और इसी क्वांटीकरण की वजह से, इसी क्वांटा की वजह से इसको क्यू लिखते हैं, है ना, क्योंकि ये क्वांटा के फॉर्म में होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। आवेश वेग पर निर्भर नहीं करता, आवेश जो है कभी भी आपका वेग पर निर्भर नहीं करेगा, यानी अगर आप रेस्ट पे हो यानी स्थिर बैठे हो, चाहे आप कितने भी वेग से चल रहे हो, 100 किलोमीटर पर सेकंड के वेग से चल रहे हो, आपने गाड़ी में आवेश को रख दिया है तो आवेश की गति भी वही होगी, अपने जो है रिलेटिव मोशन पढ़ा होगा, सापेक्ष गति, कि जिस वस्तु पर बैठ के अपन चलते हैं तो उसकी अपनी गति भी वही होती जो उस वस्तु की होती है। तो यहाँ पर स्थिर हो चाहे कितनी भी गति से आवेश चल रहा हो, अगर मैं 2 कूलम आवेश की बात कर रहा हूँ, तो कहीं पे भी चले जाओ दुनिया में, कैसे भी उसको चला लो, लड़ा लो, वो आवेश वही रहेगा, जब तक वो किसी और बॉडी से टकराए नहीं, अपना आवेश या इलेक्ट्रॉन या को स्थानांतरित नहीं करे, अपने इलेक्ट्रॉनों को नहीं छोड़े, तब तक वो आवेश उतना ही रहेगा। बहरहाल बात करते हैं, आवेश निर्देश तंत्र पर भी निर्भर नहीं करता, आवेश को आप कैसे भी देख रहे हो, कैसे भी गिन रहे हो, उसका मान निकाल रहे हो किसी भी निर्देश तंत्र के सापेक्ष, है ना, तो उसका वेग जो, सॉरी, उसका जो मान है वो वही रहेगा। अब इसका मान कभी भी निर्देश तंत्र पर निर्भर करता है, यानी इसको बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे भी डिपेंड नहीं करता और वेग पे भी डिपेंड नहीं करता। तो कई बार पूछा जाता है कि आवेश किस पर निर्भर नहीं करता, तो आपको लिखना है वहां पर कि वेग और निर्देश तंत्र पर निर्भर नहीं करता, यानी आवेश का मान जो आपको दे दिया है वो वही रहने वाला है, लेकिन द्रव्यमान वेग पर निर्भर करता है, द्रव्यमान वेग पर निर्भर करता है, अगर आपका वेग बढ़ेगा तो द्रव्यमान बढ़ेगा। सर ये कैसे, तो जब वेग बढ़ेगा तो द्रव्यमान भी बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा सर, हमने तो 11th क्लास में एक कार को चलाया था 20 मीटर पर सेकंड के वेग से, एक कार को 20 मीटर पर सेकंड वेग से चलाया था, तब भी हमने उसका वेग मास वही माना m, और जब हमने उसको रोका तब भी मास हमने m ही माना, और आप तो कह रहे हो कि वेग बढ़ेगा तो द्रव्यमान बढ़ जाएगा, तो पहले अपन फॉर्मूला देखते हैं ताकि अपने को क्लियर हो। तो मास जो इसको मैं बोलता हूं m मूविंग, यानी किसी वेग के साथ अगर m चल रहा है तो उसका जो मान होगा वो होगा m स्थिर बट्टे 1 - v² / c². इन सब पदों को देख लीजिए, m वेग का मतलब है
गतिशील द्रव्यमान का वेग। m स्थिर का मतलब है स्थिर द्रव्यमान का वेग, ओके। और इसके बाद यहां पे लिख देता हूं, अगर कवर हो रहा है तो, है ना, m स्थिर जो आएगा उसका मतलब है स्थिर द्रव्यमान का वेग, ओके। v यहां पर स्थिर द्रव्यमान, है ना, यहां पर m जो है, m वेग जो है वो स्थिर द्रव्यमान है, और m स्थिर जो है वो, ठीक है, इस तरह से। तो m वेग का मतलब होता है गतिशील द्रव्यमान, और m स्थिर का मतलब होता है स्थिर द्रव्यमान, और v का मतलब होता है द्रव्यमान का वेग, है ना, ये चीज है, ठीक है। इसको एक ब्लैक स्क्रीन पे बहुत अच्छे से फील करते हुए देखते हैं ना, जो भी आपके थोड़े बहुत डाउट्स वगैरह रह रहे हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे। तो जल्दी से जो है ब्लैक स्क्रीन पे मूव कर लेते हैं, ये भी एक बहुत अच्छा फीचर्स है, ठीक है। तो इस पे मूव करते हैं, और मैं बहुत जल्दी आपको थोड़ा अच्छा फील करवाता हूँ यहाँ पर इस हेल्प की वजह से, ओके। तो यहां पर अपन देखेंगे एम गतिशील जो होता है वो इक्वल होता है एम स्थिर बट्टे वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो यहां पर एम गतिशील जो अपन देखते हैं उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, जैसे कि मैं कोई द्रव्यमान ले लेता हूं मैकेनिक्स में कि 100 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रहा है, ठीक है, और प्रकाश की वेलोसिटी होती है सी, सी का मतलब यहां पर प्रकाश का वेग है, वो है 3 × 10^8 मीटर प्रति सेकंड। तो यहां पर वैल्यू जब रखूंगा तो एम स्थिर यानी वो द्रव्यमान जब वो पड़ा था कुछ नहीं था तब उसका द्रव्यमान मान लेता हूं कि एम नॉट था, अब वो कितनी वेग से चल रहा है 100 मीटर पर सेकंड के वेग से, तो अब उसका द्रव्यमान होगा 1 − 100/100 V² / C² यानी 3 × 10^8 का स्क्वायर। अब आप खुद देख सकते हो यहाँ 10^8 यानी बट्टे में आ रहा है 16, ऊपर कुछ भी मानू तो 4 आएगा। तो यहाँ पर इतनी बड़ी क्वांटिटी है तो इसको लगभग जीरो बना देगी, इतना अनंत का भाग जाएगा एक तरह से इसमें, तो ये लगभग जीरो बन जाएगा। तो यहाँ पर रहेगा 1 और 1 का अंडर रूट 1 ही होता है, तो m गतिशील जो होता है वो बराबर आ जाता है m स्थिर के, यानी इसलिए मैकेनिक्स में हम गतिशील करवाते हैं तो भी द्रव्यमान नहीं बदलते क्योंकि वेग ज्यादा नहीं होता है। कुल मिला के बात यही हुई कि ज्यादा वेग होगा, बहुत ज्यादा अगर अपन वेग से फेंकेंगे तो ही द्रव्यमान में चेंजेस लेंगे, अदरवाइज अपन मैकेनिक्स में ये चीजें नहीं लेते हैं। ये चीज जो होती है उसको अपन बोलते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स, और क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर जो है हम कभी भी द्रव्यमान को चेंज नहीं करते, इसीलिए अपन सारे फॉर्मूला में एम को कॉन्स्टेंट रख देते हैं। तो आज का जो सेशन रहेगा वो यहीं तक रहेगा, तो आप सब लोगों से बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब लोग हमारे साथ जुड़े और जो है इस तरह से हमें इतना प्यार दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जो है आप लोग इसको लाइक करें, शेयर करें, और अपने मित्रों को भी जो है इस लिंक को जो है आप भेजें, ताकि, और जो लोग हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं प्लीज़ वो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करोगे और बेल आइकन को प्रेस कर दोगे तो नया जो भी नोटिफिकेशन है वो आप लोगों तक पहुंच जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, धन्यवाद।